हम लोग, मैं मुस्लिम और ये हिंदू हैं, इसके वजह से घर वाले मान नहीं रहते। हम लोग जबरदस्ती भाग के शादी की, इसके वजह गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार डालेंगे। प्रेमी जोड़े ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली। कोर्ट मैरिज के बाद 6 महीने से पति पत्नी दिल्ली में रह रहे हैं। युवक के घर वाले तो मान गए, लेकिन दूसरे धर्म के युवक से शादी करने के कारण युवती के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव का है, जहां के दिनेश निर्मल और सना परवीन का सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग जब सना के परिजनों को पता चला तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सना और दिनेश जुलाई 2023 में घर से दिल्ली भाग गए और शादी रचाकर वहीं रहने लगे। शादी के बाद सना ने धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम सरिता रख लिया। सना का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके घर वाले आए दिन दिनेश के घर वालों को धमकाते हैं, दोनों गांव आकर रहना चाहते हैं, लेकिन सना अपने घर वालों के डर से गांव नहीं आ रही है। ऐसे में दोनों ने शासन और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर सना के घर वालों की नाराजगी भी जायज है। संविधान भले ही हमें बालिग होने के बाद तमाम अधिकार देता हो, लेकिन जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी मर्जी के खिलाफ और सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख कर इस तरह का कदम उठाना कहाँ तक जायज है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम सना परवीन है और हम लोग दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं और हम लोग दिल्ली से भाग कर शादी की थी, कोर्ट मैरिज। और हम मेरे घर वाले जान के हमको खूब मारे भी थे, चोट भी लगी थी और उसकी वजह दवा भी खूब चली है। और इनके घर वाले को रोज़ डेली जाके धमकी देते मेरे घर वाले, और इसके वजह से हम लोग बाहर बाहर रहते हैं, घर नहीं जा पाते हैं। दोनों लोग एक ही गांव के, मुंदीपुर मानिकपुर। आप अपनी मर्जी से एकदम हंसी खुशी गई? हाँ, अपनी मर्जी से गई थी, हंसी खुशी, ना कोई दबाव ना खुशी, अपनी मर्जी से ही शादी की है। और बस मेरे घर वाले लोग धमकी देते हैं, इनके घर वाले को बस ये चाहते हैं कि धमकी देते हैं किस लिए? क्योंकि हम लोग, मैं मुस्लिम और ये हिंदू हैं, इसके वजह से घर वाले मान नहीं रहते। हम लोग जबरदस्ती भाग के शादी की, इसके वजह जान भी गए थे खूब मारे वाले भी, और इसके लिए धमकी देते हैं कि घर आएंगे गांव तो रहने ना देंगे। गांव के लोग भी कुछ धमकी देते हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार डालेंगे। इसलिए अभी आप लोग शादी के बाद से अपने घर नहीं गए? नहीं, अपनी शादी के बाद से हम लोग घर में, हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर दिल्ली में रहते थे, अभी लालगंज में रहते हैं। धमकी की वजह से घर नहीं जा पाते? नहीं, धमकी की वजह से घर नहीं जा पाते। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? कि हम लोग जाके अपने अच्छे से खुशी खुशी घर पे रहें, ना उनसे मेरा कुछ मतलब रहे, ना उनसे हम लोग कुछ मतलब चाहते, बस खुशी रहने दे बस। इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लिए? हाँ, इनके घर वाले ने एक्सेप्ट कर लिए, हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन बस अपने घर वाले से परेशान, वो लोग धमकी देते हैं। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।